सब्सक्राइब कीजिए बिहार डेलीकेशन यूट्यूब चैनल को और नई वीडियो देखने के लिए बेल आइकन पर ऑल पर प्रेस करें ताकि नई वीडियो आप सबसे पहले देख सकें। हम मेहनत कष्ट इस दुनिया से जब अपना हिस्सा मांगेंगे, एक बाग नहीं एक खेत नहीं हम सारी दुनिया मांगेंगे। फिल्म मजदूर के इस अल्फाज के साथ इस वीडियो को शुरू करने का हमारा मकसद ये है, क्योंकि हम आज के वीडियो में आपको मजदूरों के हिस्से के बारे में बताने वाले हैं। दोस्तों, जैसा कि आप लोगों को पता है कि 12 मई 2020 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने 20 लाख करोड़ रुपए का विशेष आर्थिक पैकेज की घोषणा किया था, जिसमें छोटे उद्योग बड़े उद्योग के साथ गरीब मजदूर तबके के प्रवासी रिक्शा वाले ठेला वालों का भी हिस्सा था। तो उनकी जो किस्तें हैं वो आ गई है दूसरी किस्तें, यानी कि वित्त मंत्री ने इसकी घोषणा की है। क्या कुछ है इसमें जान लेते हैं। सबसे पहले बात करते हैं कि किसानों को इसका क्या कुछ लाभ मिलने वाला है। वित्त मंत्री की घोषणा के अनुसार 2.5 करोड़ नए किसान क्रेडिट कार्ड बनाए जाएंगे, जिसका की फायदा पशुपालक और मछुआरे भी उठा पाएंगे। इसके अतिरिक्त किसानों के लिए 300 करोड़ रुपए का अतिरिक्त इमरजेंसी वर्किंग कैपिटल फंड नाबार्ड को दिए जाएंगे। आपको बता दें कि 90,000 करोड़ रुपए नाबार्ड को पहले ही दिए जा चुके हैं, उसके अलावा ये अतिरिक्त फंड होगा। अब बात कर लेते हैं कि इस योजना में रेहड़ी पटरी वालों के लिए क्या कुछ है। रेहड़ी पटरी वालों के लिए 10,000 रुपए के लोन देने की बात कही गई है, जिसकी की गारंटी सरकार लेगी। इसके लिए 5,000 करोड़ रुपए का बजट रखा गया है। रेहड़ी पटरी वालों की बात हो गई, अब बात करते हैं कि प्रवासी मजदूर के लिए इस योजना में क्या कुछ है। प्रवासी मजदूर जो है वे वन नेशन वन राशन का फायदा उठा सकते हैं। इसके तहत जो उनके अस्थाई जगह की जो राशन कार्ड होंगे उसी पे उनको दूसरे स्टेट में राशन मिल जाएगा, यानी कि उनका जो राशन कार्ड है पोर्टेबल हो जाएगा उस स्टेट में जहां की वो काम करने गए हैं। फॉर एग्जाम्पल, जैसे आप एयरटेल का सिम यूज करते हैं, अगर आप इस सिम को दूसरे कंपनी में कन्वर्ट करना चाहते हैं तो आप वोडा का सिम ले लेते हैं। इसी तरह आप अपने राशन कार्ड को आने वाले समय पर पोर्टेबल कर पाएंगे, यानी कि जिस राज्य में आप काम करने जाएंगे वहां पे पोर्टेबल करके वहां से आप राशन ले सकते हैं। इसके अलावा प्रवासी मजदूर जो है उनके लिए सरकार सस्ते घर उपलब्ध कराएगी किराए के। इसके अलावा जो छोटे मोटे उद्योग धंधे करते हैं उनके लिए क्या कुछ प्लान है। तो आपको बता दूं कि जो छोटे मोटे उद्योग करने वाले जो पहले से 50,000 रुपए तक का शिशु लोन ले रखे हैं, उनको अगले 12 महीने तक 2% सबमिशन स्कीम के तहत ब्याज में छूट दी जाएगी। अब हम बात कर लेते हैं कि इस देश के मिडिल क्लास के जो लोग हैं उनको क्या कुछ छूट मिलने वाला है। तो जो मिडिल क्लास के लोग हैं जिनकी इनकम 6 से 18 लाख के बीच में है, वो हाउसिंग लोन क्रेडिट लिंक के तहत मार्च 2021 तक के सब्सिडी का लाभ ले सकते हैं, यानी कि वो इस योजना का लाभ उठा के मार्च 2021 तक के लिए अपने लिए एक सस्ता घर बना सकते हैं। तो ये कुछ खास बातें थी जो कि भारत के वित्त मंत्री निर्मला सीतारमन जी ने इस देश को दूसरी बार संबोधित करते हुए बताया। आपको वीडियो कैसा लगा ये आप हमें कमेंट करके बताइएगा। वीडियो अच्छा लगे तो इसे शेयर जरूर कर दीजिएगा। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपना अपने परिवार का ख्याल रखें। कोई ज्यादा जरूरी हो तभी घर से बाहर निकले।